दरभंगा में एक भैंस का मामला थाने पहुंच गया है। जी हाँ, सिर्फ मामला ही नहीं, खुद भैंस भी थाने पहुंच गई है। एक भैंस पर दो परिवार दावा जता रहे थे, एक ने दूसरे की शिकायत की तो पुलिस भैंस को अपने साथ ले आई। झगड़ा नहीं सुलझ पाया तो पुलिस ने फिलहाल भैंस को मौजूदा मालिक को सौंप दिया है। बता दें कि रीवा के जनिया थाना क्षेत्र में रहने वाले दो परिवारों के बीच इन दिनों एक भैंस को लेकर विवाद चल रहा है। लल्लू आदिवासी की भैंस एक साल पहले अचानक गायब हो गई। लल्लू ने कई दिन तक भैंस की तलाश की लेकिन भैंस नहीं मिली। साल भर बाद किसी पहचान वाले ने खबर दी कि उसकी भैंस पुटौघा गांव के दल बहादुर सिंह के घर बंधी है। खबर मिलते ही लल्लू आदिवासी ने अपनी भैंस वापस पाने के लिए थाने में शिकायत दर्ज कराई। झगड़ा सुलझाने के लिए पुलिस ने भैंस को वहां से छुड़ा कर थाने में बांध लिया। तकरीबन चार दिन तक भैंस थाने में ही रही, मगर जब विवाद शांत तो नहीं हुआ, अंत में पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर बहादुर सिंह को भैंस वापस कर दी। भाई से थाने जा चाहिए, भाई थाने में आई है। आज जब हम थाने आन उनका दरोगा साहेब बुलाई, दरोगा साहेब नहीं आए, आई एस डी ओ पी साहेब आए तो हमका लोग को बुलाए कि भाई सीना थो हम बचे आए तो एस डी ओ पी साहेब चले गए कहीं नहीं, भाई ठाकुर साहेब के घर जाए।